पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मेथोडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रांगण में कारगिल शहीदों की वीरता को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। 26 जुलाई 1999 के दिन भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के दौरान चलाए गए ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम देकर भारत भूमि को घुसपैठियों के चुंगल से मुक्त कराया था। ये युद्ध कारगिल संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य सुनीता डी सिंह ने छात्राओं को अवगत कराया कि हमारे देश के वीर जवान जिन्होंने इस मातृभूमि के प्रेम के लिए अपने प्राणों को बलिदान किया है वे लगभग 527 से अधिक वीर योद्धा थे और 1300 से अधिक वीर घायल हुए थे। उन्होंने छात्राओं को देश प्रेम की भावना के विषय में और अधिक प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक द्वारा भी छात्राओं को देश के लिए प्रेम त्याग की भावना से प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में कक्षा 12 की शिवांगी राय और कक्षा 10 की नाफिया मंजूर ने देशभक्ति गीतों का समा बांधा। छात्राओं द्वारा देशभक्ति नारे लगाए गए जिससे विद्यालय प्रांगण गूंज उठा। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय की अध्यापिका कुमारी अनुरीता द्वारा किया गया और सभी अध्यापिकाओं का योगदान रहा। कारगिल विजय दिवस, इससे पहले मैं अपनी बात कहूँ, मैं कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहूंगी। शहादत की खुशी ऐसी है मुश्ताक ए शहादत को, शहादत की खुशी ऐसी है मुश्ताक ए शहादत को, कभी खंजर से मिलती है कभी कातिल से मिलता है। इस साल 26 जुलाई को भारत पाकिस्तान सैनिकों की घुसपैठ के खिलाफ ऑपरेशन विजय में भारतीय सशस्त्र बलों की जीत की 20वीं वर्षगांठ मना रहा है। यह दिवस हर साल सशस्त्र बलों के बहादुर सैनिकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता दिखाने के लिए मनाया जाता है।